वाले झड़ौदा कला में मेरे पीछे जो आप ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF का MI-17 हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, इसके ज़रिए पहली मरतबा दिल्ली पुलिस के 557 कमांडोज को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है, और वो भी दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमांडोज के ज़रिए दी गई है। अलग अलग तरीके की इस पर ट्रेनिंग कराई गई है। राजस्थान के अलवर में जो आभानपुर में एडवांस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ इस तरह की ट्रेनिंग मुहैया कराई गई है। पूरे भारत में अगर आप देखते होंगे तो एयरफोर्स, ITBP, NSG के कमांडो या BSF वगैरह की जो ट्रेनिंग वगैरह होती है वो होती है हेलीकॉप्टर से। और यहाँ मैं आपको दिखा दूँ कि पहली मर्तबा दिल्ली पुलिस के जो कमांडोज़ हैं उनको ट्रेंड किया गया है। कुछ ऐसे अनयूजुअल हालात अगर आ जाएं या इस तरीके की सिचुएशन की जब कोई टेररिस्ट अटैक हो या कुछ, तो उस वक्त में हेलीकॉप्टर से पूरी तरह से उनको सशक्त यानी ट्रेंड करने के बाद में पूरी तरह से ट्रेनिंग दी गई है। 557 दिल्ली पुलिस के ऐसे कमांडोज़ तैयार किए गए हैं जिनको कि इस के ज़रिए एयर ट्रेनिंग दी गई है। स्पेशल तरीके की उनको जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है। दिल्ली पुलिस एक ऐसी स्टेट पुलिस अब बन गई है पूरे देश की कि जहां पर किसी और राज्य की पुलिस को ये सौभाग्य हासिल नहीं हुआ। मैं इस वक्त दिखा दूं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर खुद संजय अरोड़ा यहां पर मौजूद हैं, और ये जितने भी कमांडोज़ हैं 557 कमांडोज़ जिन्होंने कि हवा में ट्रेनिंग हासिल की है, जिन्होंने कि एयर कॉम्बैट सिस्टम के तहत पूरी तरीके से ट्रेनिंग ली है, वो अब अपना एक डेमोंस्ट्रेशन यहाँ पर करने जा रहे हैं, जिसको आज खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा यहाँ देखने के लिए पहुँचे हैं। अमन कमांडोज पूरी तरह से सशक्त ट्रेंड और पूरी तरह से तैयार हैं अब अपना जौहर दिखाने के लिए। आइए देखते हैं। खास तरह की ये ट्रेनिंग पहली मर्तबा दिल्ली पुलिस के जवानों को, जिनमें 25 फीमेल कमांडोज भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस फोर्स अब इतनी सक्षम हो चुकी है कि ये अब तक ज़मीनी सुरक्षा तो करते आए थे, लेकिन हवाई सुरक्षा यानी अगर किसी तरीके का कोई अटैक हो जाए या कोई ऐसे हालात हो जाएं कि हवाई रास्ते से इनको इंटरवेंशन करना पड़ जाए, तो एक साथ कई जगह से अटैक होता है, तो उन हालात में किस तरीके से वक्त का, मौके का और हालात का सामना करना पड़ेगा, ये इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है, जिसके अंदर ख़ास तौर से स्लेगरिंग यानी ऊपर रस्सी के रास्ते नीचे उतरना किस तरह से है। अगर किसी बिल्डिंग के अंदर कोई टेररिस्ट अटैक हो जाता है या कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं कि उनमें
नीचे से नहीं पहुंचा जा सकता, सड़क के रास्ते नहीं जाया जा सकता, तो उस वक्त ऊपर से यानी हवाई रास्ते से किस तरह से ऊपर से उतरा जाए और टेररिस्ट को काबू किया जाए या उनका मुकाबला किया जाए, ये तमाम चीज़ इसी ट्रेनिंग का हिस्सा थी। ये अभी भी इसी तरह से ये जो अभ्यास है इस वक्त चल रहा है। और आज का दिन दिल्ली पुलिस के लिए तारीख में पहला एक ऐसा दिन दर्ज किया जा रहा है कि जिसमें पहली बार दिल्ली पुलिस को अपनी इस कार्यशैली को बढ़ाते हुए एक ये भी मौका मिला है कि 557 कमांडोज, जिनमें 25 महिला कमांडो शामिल हैं, उनको स्पेशल किस्म की मखसूस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई गई है, ट्रेनिंग दी गई है, ताकि किसी भी तरह की जो सिचुएशन हो, ख़ास तौर से जो एयर कॉम्बैट सिस्टम है उससे उनको रूबरू कराना इसका एक हिस्सा है। 3 महीने की कड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद ये ट्रेनिंग हासिल की है। इस वक्त दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा इन ट्रेंड कमांडोज की यहां पर ट्रेनिंग लेने के बाद में जो अब एक डेमोंस्ट्रेशन है, किस तरह का प्रशिक्षण किया गया है वो देखने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। स्पेशल पुलिस कमिश्नर मुकेश मीना, जॉइंट कमिश्नर विजय सिंह वगैरह और तमाम दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी यहाँ इस वक्त झरोदा कला में मौजूद हैं। कमांडोज को ऊपर ले जाया गया है जहां से अब इनका जो एक ट्रेनिंग का एक और हिस्सा है उसको डेमोंस्ट्रेट किया जाएगा, उसको दिखाया जाएगा। बीएसएफ का ये MI-17 हेलीकॉप्टर इस वक्त में यहां जड़ौदा कला पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में उतर रहा है। क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है और हेलीकॉप्टर की आवाज़ भी इतनी ज़्यादा है, आप लोग, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी, ये आप लोग देख रहे हैं जो प्रशिक्षित यानी पूरी तरह से जो ट्रेंड महिला कमांडोज हैं दिल्ली पुलिस की और जो जेंट्स हैं वो किस तरह से इस पर उतर रहे हैं। अभी फ़िलहाल डेमोंस्ट्रेशन के लिए महज 5 मीटर, 10 मीटर और 15 मीटर की हाइट से इनको अभी यहाँ से दिखाया जा रहा है। भारत सरकार की तरफ से ये इस तरह की स्पेशल ट्रेनिंग दिल्ली पुलिस को कराई जा रही है ताकि हर तरह की चुनौतियों से, हर तरह के सिचुएशन से, हालात से निपटा जा सके। और यही वजह है कि इन कमांडोज को स्पेशल ट्रेनिंग देने के बाद में जब वो आज मुकम्मल हुई है तब ये 557 कमांडो पूरी तरह से ट्रेंड हो गए हैं, यानी फुल्ली ट्रेंड है। और पूरे भारत में पहली मरतबा एक ऐसी स्टेट पुलिस बनी है दिल्ली पुलिस जिसको ये सौभाग्य हासिल हुआ है। ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, ये हाई जंप है, यानी 15 मीटर की ऊपर की हाइट से इनको जिन्हें ट्रेनिंग दी गई है वहाँ से ये जंप कर रहे हैं। अगर हाई राइज बिल्डिंग है, ऊंची ऊंची इमारतें हैं, टेररिस्ट अंदर घुस गए हैं और ऐसे हालात हैं कि नीचे से नहीं जाया जा सकता, रास्ता नहीं मिल पा रहा है, ऐसे हालात के अंदर दिल्ली पुलिस के ये कमांडो दिल्ली में रहते हुए अगर ऐसे कोई हालात आते हैं उससे बखूबी निपट सकते हैं, यही इस वाली ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। आधुनिक हथियारों से यानी हाईली सोफिस्टिकेटेड वेपन से ये कमांडोज लैस होंगे। इनके पास में जिस वक्त इस तरह की अगर कोई एयर स्ट्राइक होती है या कभी मौका मिलता है तब इनके पास हर तरह के जो आधुनिक हथियार हैं
वेपन्स हैं उससे ये लैस होंगे, इनके पास वो तमाम हथियार मौजूद होंगे उस वक्त कि जब ऐसा एयर कॉम्बैट इनको स्ट्राइक करना पड़ जाए, उसमें चाहे MP5 हो, SLR गन हो या तमाम 5mm वगैरह पिस्टल हो, वो सब इनके पास मौजूद होगी उस वक्त में कि जब ये अपना ऑपरेशन अंजाम देने जा रहे होंगे। दिल्ली पुलिस से अभी कांस्टेबल रिक्रूट ट्रेन हुए थे, उनमें से हम छांटे थे कि कमांडो ट्रेनिंग करेंगे। अभी एट प्रेजेंट 510 मेल और 155 फीमेल कमांडो ट्रेनिंग उनकी चल रही है। ये 3 महीने का एडवांस कोर्स है। इस कोर्स के तहत डिफरेंट ऑब्स्टिकल्स को कराया जाता है और डिफ़िकल्ट ऑब्स्टिकल है उनको भी कराया जाता है। उसके अलावा जो एक्सरसाइज होती है, UAC एक्सरसाइज, PT दौड़, जो भी जो कमांडो की ट्रेनिंग होती है सब कराई जाती है। इसके अलावा जैसे कि हमने अभी एडवांस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर वहाँ पर ऑपरेशन किया है अभनपुर अलवर में, वहाँ भी इनको भेजते हैं, वहाँ भी इनकी अच्छी तरह फायरिंग करवाई जाती है और पूरे रॉक क्लाइंबिंग और माउंटेन पे क्लाइंबिंग और वो सारी सारी डिफ़िकल्ट लॉन्ग मार्च सब कुछ कराया गया है। इसमें अभी हमने जो इनको करवाया है, जो स्विमिंग इनकी चल रही है, क्योंकि अगर कमांडो को वाटर में ऑपरेशन करनी पड़े तो इनको स्विमिंग ऑपरेशन आनी चाहिए। एक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है कमांडो का, जो कॉन्फिडेंस डेवलप का है, कि अगर कमांडो को कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़े और इमीडिएटली किसी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स या हाई राइज बिल्डिंग्स पे ऑपरेशन करनी पड़े, उनको वहाँ से कैसे ले जाना है, तो इमीडिएटली इनको उस जगह ले जाया जाए। और किस तरह से स्लिथरिंग ऑपरेशन आपने देखी है कि हेलीकॉप्टर आप BSF के आए हुए हैं, तो इसमें हेलीकॉप्टर से ऑपरेशन की हेलीकॉप्टर से ही ले जा सकते हो। उसको ले जाने के बाद इनका एक भय खुलता है कि हमको उस हाई राइज बिल्डिंग में जाना है फिर ऑपरेशन करना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी आस्पेक्ट है कि अगर एक ऑपरेशन तो कर सकता है लेकिन अगर इस तरह की ऑपरेशन करना पड़े कहीं इस तरह की ऑपरेशन जो हाई राइज बिल्डिंग्स में करना पड़े या कोई ऐसी जगह करना पड़े जहाँ की कोई व्यवस्था नहीं हो जाने की, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और मैंने भी इंटरेक्शन इनके साथ रेगुलरली मेरा इंटरेक्शन रहता है और मैं बताना चाहता हूँ, मैंने भी 2 दिन से जो हाईएस्ट क्लाइंबिंग होती है उसे भी मैंने जंप किया है इनके साथ में, रूप के साथ में, तो मुझे भी बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है कि इस तरह अगर ऑपरेशन हो और इस तरह इनका प्रैक्टिस हो तो उस प्रैक्टिस से दिल्ली पुलिस के जो कमांडो है हाईली एडवांस्ड कमांडो हमारे हो जाएंगे। ये G20 को देखते हुए और साथ ही साथ पूरे भारत में स्टेट पुलिस में दिल्ली पुलिस पहली बार और ऐसा इसको सौभाग्य मिला है, उसको देखते हुए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक्चुअली में दिल्ली पुलिस में रेगुलर कमांडो की रिक्वायरमेंट है, वो तो आप जानते ही हैं। दिल्ली पुलिस में हमेशा से रहे कमांडो, पहले हम बाहर ट्रेनिंग कराते थे, अब हमारे खुद के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। इसमें ये कमांडो स्पेशली G20 में भी डिप्लॉय होंगे, जो ऑलरेडी कमांडो है उनको रिफ्रेशर कोर्स कराया जाएगा, उनको भी G20 को डिप्लॉय होंगे। इसके अलावा एक ग्रुप और आ रहा है 500 कमांडोज का, जो कल से आ गया है, 29 तारीख से उनका कमांडो कोर्स शुरू हो गया है। ये इस तरह की ऑपरेशन है, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो ऑपरेशन है उस ऑपरेशन किसी भी तरह की कोई ऑपरेशंस के बारे में अगर इनको जाना है, उसके बारे में जानकारी करनी है, उसके बारे में प्रैक्टिस करनी है, वो सारी कराई जाती है। और जैसा कि हमने BSF ऑफिसर से बात की थी कि ये दिल्ली पुलिस में पहली बार आया है, वैसे बता रहे हैं किसी भी पुलिस में पहली बार ये ऑपरेशन हो रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस में मैं कह सकता हूँ, बाकी पुलिस का मैं नहीं कह सकता, लेकिन दिल्ली पुलिस का मैं कह सकता हूँ, ये पहली बार इस तरह का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स और प्रैक्टिस इनको हेलीकॉप्टर से कराई जा रही है। ठीक है, आप लोग हमारे साथ पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज झरोदा कलां नजफगढ़ से जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव पर आनिया या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव पर आनिया या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर नाउ।